ये नया पोल निकला हुआ है, आप देख सकते हैं नेचर में क्या ताकत है। यहाँ पर अगर हम गौर से देखें तो ये पत्थर वाली जमीन है, जहाँ पर स्टोन ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये पत्थरों के बीच में से, ये आप थोड़ा सा सही से देखोगे तो ये पत्थरों से बीच में जहाँ उसको जगह मिल रही है वहां से वो निकलना चालू कर देता है। ये सबसे बड़ी बात है, ये पत्थर वाली जगह है, ये पत्थर वाली जगह है, ये पत्थर वाली जगह में भी अपना रास्ता खुद तय कर लेता है, ये अपना रास्ता खुद तय कर लेता है। ये तकरीबन 8 से 10 साल पुराना होने के कारण इसके अंदर में आप देख सकते हैं नया पोल भी निकल रहा है, और ये पतले वाला जो बाउंड्री के लिए सबसे बेस्ट है, लेकिन इसको अगर हम 3 साल 4 साल के अंदर में हार्वेस्टिंग कर लेते हैं तो ये अपने को पोल की थिकनेस भी पतली देगा, एक हाथ के थिकनेस के हिसाब से ज्यादा 4.5 इंच से लेकर 6.5 इंच तक का गोलाई बना के अंदर से ठोस रहता है। जहां कहीं पर भी हॉर्टिकल्चर, वेजिटेबल्स और फार्मरों को टेके के रूप में जहां पर भी जरूरी रहता है वहां पर ये बांस बढ़िया ढंग से चल सकता है। शुरुआती तौर पे साइड ब्रांचेस रहेगी, फिर धीरे धीरे ऊपर साइड ब्रांचेस जाएगी। उसके लिए पहले 2 कटिंग में आपको साइड ब्रांचेस को प्रूनिंग करके आगे बढ़ाना पड़ेगा, और यदि बाउंड्री के लिए लगा रहे हैं तो प्रूनिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लगा ही इसलिए रहे हैं कि एनिमल प्रोटेक्शन आपके यहाँ पर होता रहे। और यहाँ पर थिकनेस, मोटाई वो बहुत ही बढ़िया आई हुई है, क्योंकि यहाँ से जल स्रोत जो है वो बाहर से कुएं से आकर पीछे की तरफ में ये नाली से पानी जो है हर बार आगे जा रहा है। तो इसको 8 मंथ तक जब भी एग्रीकल्चर हो रहा है तब तक यहाँ से सिक्वेंसली पानी मिल रहा है। ये कम पानी में भी होने वाली वेराइटी है, थिकनेस थोड़ी कम रहती है, पानी के अंदर में फुल थिकनेस से ये काम करती है। ऐसी ही वेराइटी, इसके समक्ष कह सके वैसी वेराइटी जिसमें साइड ब्रांचेस कम आती है, ये जो भिर्रे में जुड़ा हुआ है उसकी जगह थोड़ा थोड़ा दूर दूर जो जाए, वैसी वेराइटी है मनगा स्टोक्सी करके वेराइटी है। कई लोग उसको देवनगिरी या देवागिरी के नाम से भी यूज करते हैं नाम को, बेसिकली स्टोक्सी कहते हैं या मनगा से उसका नाम प्रचलित है, जो महाराष्ट्र के अंदर में कोकण बेल्ट में बहुत हो सकता है। सीड नहीं आता है उसका, सीड बेस वेराइटी नहीं है वो, प्रोपोगेशन करके या नीचे से राइजोम से वो चीज़ बनाई जाती है, जबकि ये मैनुअल वेराइटी है, इसका इजीली सीड भी अवेलेबल है, और ये वेराइटी सीड से मिल सकती है 30 साल से 28 साल इसकी एज लिमिट है, और उसके बाद ये अपना एक्सपायर्ड होती है, इसका अवशेष पूरा होता है। तो ये था अपना स्टेटस वेराइटी। थैंक यू वेरी मच।